नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पर्सन है आपके एग्जाम यानी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन है आने वाले हैं, जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह कर लिया तो निश्चित तौर पर आप अपना टारगेट ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे पर्सेंट भी बना पाओगे, यानी आपने जो टारगेट सेट किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। साथ में अपना रिविजन भी चल रहा है तो रिविजन का जो कर रहे हैं वो साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विद आंसर, यानी पर्सन के साथ साथ हम पूरा उत्तर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वहां पर उसका आंसर भी समझ में आ जाए। तो जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो में, पूरी सीरीज में, तब तक जब तक हम ये पूरा जो सीरीज है कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। निश्चित तौर पे आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। 100% बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, यानी आपकी परीक्षा 2023 वाली जो बोर्ड की परीक्षा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, जिस चैप्टर में से जो जो टाइप के पर्सन आने वाले हैं उसी टाइप के ही पर्सन डिस्कस करने वाले हैं, नहीं करने वाले। जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे तो उसमें हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, जिसमें एक एक नंबर वाले आएंगे, जिसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, लगातार जुड़े रहिएगा। अगर आप इस सीरीज को लगातार देखते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ना सिर्फ विज्ञान के अंदर, हम इसी तरह के बाकी सब्जेक्ट में भी कोशिश करेंगे। मैथ में तो चलेगी, बाकी हम सब्जेक्ट में भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह की सीरीज आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए, क्योंकि हम ना सिर्फ पर्सन की बात करेंगे बल्कि आपको इसके आंसर भी साथ में मिलेंगे। तो जुड़े रहिएगा पूरे, लगातार इस वीडियो को देखिएगा, आपको पहले चैप्टर में ही पता चल जाएगा हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन के हैं और उसके आंसर क्या हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ पर्सन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपको चार में से एक ऑप्शन सही लिखकर आपको कॉपी में आंसर देना होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पर्सन है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? कौन से रासायनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। हम पढ़ के आए हैं, जब हम चैप्टर पढ़ा था तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और वो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट का पहला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा एक अभिक्रिया दे रखी है आपको Fe2O3+2Al, यानी Al संतुलित करने के लिए 2 लगाया, Al2O3+Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको अभिक्रिया को एनालिसिस करके ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर इस एल्यूमिनियम ने क्या किया है, इस एल्यूमिनियम ने यहां पर Fe को विस्थापित कर दिया यहां से, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, वहां से हटाकर खुद आ जाता है, देखिएगा यहां पर Fe अलग हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। और लगातार हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके मॉडल पेपर में भी दिए हुए हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में ही आपको 2023 की परीक्षा में ही अगर आपने ये सीरीज कर ली तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो। अगला प्रश्न है बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे बिना बुझा हुआ पूछता है तो बिना बुझे हुए सूत्र का होता है ये, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है, जबकि बुझा हुआ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें हाइड्रोक्साइड आ जाता है, OH आ जाता है, वो बुझा हुआ होता है, और जिसमें OH नहीं आता वो बिना बुझा हुआ, ये अगर पूछता तो ये बिना बुझा हुआ सूत्र हो जाता। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम जैसे ही सांस लेते हैं तो हम पता है
कि हमारे सांस के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है और श्वसन एक क्या है, ये एक श्वसन क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? उष्मा क्षेपी। इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दानेदार जिंक पर तनु HCl अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? दानेदार जिंक, जिंक क्या होती है? धातु। और धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अच्छे से याद रखिएगा, जब हम किसी धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। अगले बात करते हैं, और भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप 72 प्रश्न हैं, देखते रहिएगा लगातार। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम जरा अभिक्रिया लिख देते हैं। कोयला क्या होता है? कार्बन C+O2 क्या बनता है? CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया? यहां पर देखिएगा, एक तो यहां पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे, तो संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। अभी एक बार आंसर नहीं लगाइएगा, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ भी रही है इसके साथ, तो ये संयोजन भी है और ऑक्सीकरण भी है, मतलब उपचयन भी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा क्या दिया हुआ है, संयोजन भी है और ऑक्सीकरण भी है, तो हम क्या लगाएंगे? ए व बी दोनों ही ऑप्शन है इसके, ए व बी दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। अगला है, वसा युक्त तेलीय युक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन से रोकने के लिए रोकने वाले पदार्थ कहलाते हैं। हम उपचयन यानी हमारी जो तेलीय या वसायुक्त जो सामग्री होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो हमने वहां पर डिस्कस किया था प्रतिऑक्सीकारक, यानी उसके ऑक्सीकरण उसके अंदर रोक देने वाले, जो उसके अंदर ऑक्सीकरण को रोक देते हैं वो प्रतिऑक्सीकारक। जैसे हम चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस जो है डाल देते हैं, वही बात है यहाँ पर। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? अब साग सब्जियां वगैरह हम किसी डब्बे में बंद करके रख देते हैं और सड़ने देते हैं, तो आपको पता है वहां पर उष्मा बन जाती है, हालांकि थोड़े थोड़े गर्म होने लग जाते हैं, तो वो अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, और किसी का विघटन भी क्या होता है, जैसे साग सब्जियों का कंपोस्ट होना, ये भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ही है। लगातार देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए जब हम पोताई करते हैं दीवारों की, तो उसमें होता है चूना, ठीक है, और चूना किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिला होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है घरों में दीवारों पर सफेदी करने के लिए, हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो हमारे शरीर में उससे ऊर्जा मिलती है, क्या है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अगला है, संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर यानी मार्बल जिसको हम बात करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन सी यानी तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगला प्रश्न है हमारा, एक पदार्थ का दो बार छोटे सरल अणुओं में टूटना, एक पदार्थ है दो या दो से अधिक अणुओं में यानी पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? ये हमारा होता है कौन सी अभिक्रिया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन या जिसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक, जिसको वन लाइनर आंसर होते हैं, उसके बारे में। तो यहां पर आपको दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है, पहले प्रश्न में देख रहा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का नाम, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का नाम होता है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या होता है? हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि, या जिसको अनुमान विधि भी कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि आप इतना लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। आप पूरा भी चाहें तो इस तरह से लाइन लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली विधि हीट एंड ट्रायल विधि होती है। अगला है, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे की वस्तुओं पर पेंट, तो लिखेंगे लोहे को संसारण से या जंग लगने से बचाने के लिए। क्या? लगने से
बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट करते हैं। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, देखिएगा, उदाहरण होता है जेड एन ओ प्लस सी, तो क्या बनेगा, जेड एन प्लस सी ओ। देखिएगा यहां थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिएगा जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन, और यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। यहां से देखिएगा इसके साथ में ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना आपको पता है क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन, ठीक है। और यहां पर देखिएगा यहां कार्बन के साथ कुछ भी नहीं था, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों होते हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जिंक ऑक्साइड कार्बन, यहां पर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर बन गया, तो यहां पर आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है कि अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब ऐसा पदार्थ जो अविलय रह जाता है, जो घुलता नहीं है उसके अंदर, जो नीचे जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अति लघु उत्तरात्मक में वन लाइनर के अंदर अगला प्रश्न है बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया। आपको पता है बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, यहां पर देखिएगा बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया में किससे करवानी है, जल के साथ करवानी है, H2O, तो क्या बनेगा यहां पर देखिएगा, यहां पर बनेगा CaOH2, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अभिक्रिया बिना बुझे हुए चूने की यानी कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये बिना बुझा हुआ चूना कह दो या कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, आपको यहां पर दोनों फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है और बुझा हुआ चूना क्या होता है, यहां पर भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट पर्सन है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय। तो विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय है प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, तो ये लिख सकते हैं प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर हम विकृत गंधिता से उसको बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। मैग्नीशियम रिबन देखो क्या होता है, Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम, दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या बनेगा, MgO, तो ये बना, संतुलित करते हैं तो यहां दो लगा देंगे, यहां दो लगा देंगे, चाहे हम इसको संतुलित कर लेते हैं तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, मैग्नीशियम है जो उत्पाद बना है इसका नाम है, उत्पाद का नाम है MgO, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और अगला प्रश्न है द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान तथा
उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम है, यानी अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। तो ये हमारे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद में वन लाइनर प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे लघुतरात्मक, यानी जो इस चैप्टर में आने वाले बड़े जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रकार जो है वो है लघुतरात्मक प्रश्न, यानी बड़े जो क्वेश्चन टाइप का आंसर है उसमें हमें कैसे करना है उसको देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो है जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाना है। जल विद्युत अपघटन का आपको नामांकित चित्र बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके पहले चैप्टर के अंदर। तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको एक यहां से इस टाइप का एक बनाना है पात्र, जिसके अंदर से हम दो कनेक्शन कर देंगे, दो परख नलियां लगा देंगे और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे बैटरी से। ठीक है, यानी आप सीधा यहां से इस तरह से बना दीजिएगा, ज्यादा इतना बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक यहां पर इस तरह से, ठीक है, और दूसरा भी यहां से इस तरह से। इसके अंदर हमने क्या करना है, दो यहां पे हमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने पानी डाल रखा है, जल का विद्युत अपघटन करना है ना, यानी जल डाल रखा है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, ये इसके जैसे ही बनेगा यहां पर गैस बनेगी। ठीक है, इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, एक को प्लस वाले हिस्से से, एक को माइनस हिस्से से, और बीच में हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया है। ठीक है, जो प्लस से जुड़ा होता है वो वहां गया हमारा कहलाता है एनोड, और जो माइनस से जुड़ा होता है वो होता है कैथोड। यहाँ पर भी देखिएगा कुछ इसी प्रकार, बैटरी से हमने जोड़ रखा है, ये एनोड है प्लस वाला हिस्सा जुड़ा हुआ, ये माइनस है कैथोड। यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे, और पहली वाली जो परख नली है इसके अंदर कौन सी गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन, और दूसरी वाली परख नली के अंदर कौन सी, हाइड्रोजन गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, जल का विद्युत अपघटन होता रहेगा। और ये अभिक्रिया क्या होती है, H2O को हम करते हैं विद्युत अपघटन, जब H2O का हम विद्युत अपघटन करते हैं H2O का, तो बनता है H2+O2। यहां पर हमने किया इसका विद्युत धारा दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इसका अपघटन हो जाता है और हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है। अब इसके अंदर आप लिख सकते हो, यहाँ पर हमने इसके अंदर जल डाल रखा है, ये जल है, ये सारे नाम लिख सकते हो, यहाँ पर दो परख नलियां ले रखी है, ये पूरे इसके नाम कर दोगे तो ये हो जाएगा। और ये अभिक्रिया हमने यहाँ पर समझा दी, या एनोड के अंदर जिस परख नली में एनोड लगा हुआ है वहां पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगी बनेगी, और जिसमें कैथोड जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वहां पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस तरह से हम पानी को विद्युत अपघटित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है CuO+H2। CuO+H2O में किस प्रकार का, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, उपचयन। तो यहां पर देखिएगा, पहले मैं आपको यहां से डायग्राम से ही समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिएगा Cu है, Cu के साथ में यहां पर देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है, यानी इस पदार्थ का क्या हुआ है, इसका हुआ है उपचयन। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है, सॉरी, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। यहाँ पे क्या लिखना है, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है अपचयन। और यहां पे हम बात करें, यहां पे देखिएगा H2 है, यहां पर H2 के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो, उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण, यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का तो हुआ है उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है उसका हुआ है उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है, जबकि CO यानी कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ये इसके डिटेल में हम लिख देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका देखते हैं दूसरा लघुतरात्मक प्रश्न है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उपचयन तथा अपचयन में अंतर लिखिए, उपचयन और अपचयन में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट है उपचयन और अपचयन का, उपचयन के अंदर यहां पर उपचयन एक साइड लिखेंगे, एक साइड अपचयन। उपचयन या अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन में वृद्धि होना। यहां पर देखिएगा Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये CuO हो गया, यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना। इसका उल्टा इधर, इधर ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन में कमी होना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर देखो ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसका,
किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन की कमी। देखो HBr, यहाँ पर Br के साथ क्या था, ब्रोमीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपचयन। यहाँ पर देखिएगा N2 और H2 था, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी तो अमोनिया बन गई, यहाँ देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ गई। तो इस तरह से निकल सकते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन में वृद्धि होना, इधर ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी होना, या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन की कमी होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना, इनके साथ साथ इसके उदाहरण देके हम समझा देंगे, तो बिल्कुल आंसर हमारा सही है यहां पर। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हम श्वसन पढ़ के आए हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर, अभी हम पीछे पढ़ के भी आए थे कि श्वसन कौन से प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं। देखिएगा इसको मैं आंसर समझाता हूं, हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का हमारा जो पाचन होता है उसका विखंडन होता है, छोटे छोटे अणुओं में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारी ऑक्सीजन जाती है, वो ग्लूकोज उन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है ऊर्जा। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बात समझ में, तो यही हमारा यहां पर लिख रखा है। अब देखिएगा होता क्या है, यहां पर आप अभिक्रिया को समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो, ये जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, किससे अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है यहां पे, यहां बनाता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, जल बनता है, ठीक है, और साथ में क्या बनती है ऊर्जा बनती है, क्या बनती है ऊर्जा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न है वो है निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको समझाना है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी और शोषित। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर उदाहरण से हम समझा सकते हैं, दो अभिकारक है एक उत्पाद है तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को अपने अभिकारक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिएगा जिंक ने इस कॉपर को यहां से विस्थापित कर दिया और यहां पर जिंक सल्फेट के साथ आ गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, वहां से हटाकर खुद आ जाता है, उसको अलग कर देता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने वहां भी देखा था ZnO+C, यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन का निकलना और इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना हो गया क्या होता है अपचयन होता है, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है, तो जिसमें दोनों ही होते हैं वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निर्माण होगा और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान से देखिएगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डालेंगे तो आपको पता है लोहा क्या होता है, Fe होता है, और ये कॉपर सल्फेट, इस अभिक्रिया को पहले समझते हैं, ये डिटेल हमें समझ में आ जाएगी। अब आपको पता है Fe जो होता है, कॉपर जो होता है, सॉरी Fe जो होता है यानी आयरन लोहा जो होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये इसको यहां से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है और यहां पे इसके साथ खुद आ जाएगा, और जैसे ये बनेगा फेरस सल्फेट जो बनेगा या हम जिसको कहते हैं आयरन सल्फेट, जैसे ही बनेगा इसका रंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा,
ठीक है, तो हमें यह पता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की रोड डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कील डालेंगे तो लोहे की होगी, और हमें पता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है, लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो वहां से उस विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए उस कॉपर विलयन का क्या हो जाता है, उस विलयन का रंग बदल जाता है, क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है और विलयन हरा दिखाई देने लगता है। विलयन पहले नीला दिखाई दे रहा था, अब कैसा दिखाई देने लग जाता है, ग्रीन कलर का, हरे कलर का दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, इस तरह से। ठीक है, यहां पर देखिएगा लोहे की कील पहले ऐसे नॉर्मल कील थी, फिर इसका कलर भूरा हो गया, ठीक है, कॉपर इस पर आकर विस्थापित हो गया, कॉपर इस पर चिपक गया, और जो फेरस था वो पहले इसके अंदर मिला हुआ था वो सारा इसके ऊपर चिपक गया, और इसके अंदर कौन घुल गया, अब यहां पर लोहा इस विलयन के अंदर घुल चुका है, तो इसलिए उसका रंग बदल गया है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, गारंटी से अगर आपने इसको पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर एग्जाम में इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखें, अगर आपका टारगेट 90-95 प्लस है तो फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सीरीज को देखना मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।